आज हम लोग एक नया चैप्टर का लुक करेंगे, ठीक है, जो कि सिविक्स का है, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान क्या है, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, इनकी जरूरत क्यों है हमें, ठीक है, और साथ साथ क्या रूल्स रेगुलेशन इसके ऊपर बने हुए हैं, सरकार के क्या रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, संविधान की संरचना क्या है, ठीक है, इन सभी चीजों में उसके बारे में हमें जानना है। चलिए तो ठीक है, सबसे पहले संविधान को जानने से पहले हम लोग लॉस के बारे में बात कर लेते। लॉस क्या है, मतलब कानून क्या है, ठीक है, देखिए कानून के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग रूल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जो भी नियम होते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है, हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे जितने भी जो भी वर्क होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से जो भी हमारा एक्शन होता है, ठीक है, ऑल एक्शंस आर गवर्न्ड बाय रूल्स, ठीक है, हर एक जो भी हमारा एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, वो नियम के रूप में अनुकूल में ही होता है, उसी के अनुसार से हम लोग सब कुछ करते हैं। सपोज जब हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सोसाइटी में खेलते हैं, ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, देश के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो सभी जगह कहीं ना कहीं एक रूल से हम लोग बंधे हुए हैं। तो रूल काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नियम काफी ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, ठीक है, अगर नियम ना हो तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे और काफी स्थिति समाज में गड़बड़ सी हो जाएगी, ठीक है। तो रूल से रिलेटेड कुछ और बातें हम लॉज में जानेंगे, ठीक है, लॉज क्या है, कानून क्या है, कानून हमारे लिए किस तरह की इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए रूल लॉज के बारे में थोड़ा सा लोग जान जाए, ठीक है, यह एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है, फॉलोअर्स बाय द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू गवर्न एंड एंश्योर जस्टिस, ठीक है, चले। तो ये कुछ शॉर्ट में अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ रूल्स, मतलब कोई भी माने कि सरकार है या संस्थान है, वो कहीं ना कहीं एक जो नियम है, नियम का जो प्रणाली है, जो सिस्टम ऑफ रूल्स है, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको बनाते हैं ताकि जो भी पीपल्स हैं, जो समाज में लोग हैं, ठीक है, उनको एक न्याय, ठीक है, जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, वो आश्वासन देते हैं, ठीक है, इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो भी समाज में लोग हैं, कानून को इस तरीके से बनाया जाए ताकि सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और सभी एक दूसरे के साथ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करके रह सके, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के ऊपर कुछ छोटा सा डिफिनीशन है जिनको हमें जानना चाहिए। तो कानून हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर समाज में कानून नहीं हो, लोग उनको काफी ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, ठीक है, अपने मन से जो भी चाहेंगे वो करेंगे। तो कानून हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉज के जैसे हम लोग बंधे होते हैं, हर एक चीज सही से करते हैं, ठीक है। और लॉज की आगे बात करेंगे तो नीड फॉर लॉज, ठीक है, कानून की जरूरत क्यों है, उनमें थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो सीरीज से बात करें, बहुत सारे ऐसे जो लॉज है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लॉज संविधान में भी है, संविधान के ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग जाने कि अगर किसी भी लॉ को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी कानून हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग पनिश किए जाएंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा वैल्यू है हमारे समाज में लॉज का, ठीक है, कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ती है कानून की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। आगे जरूरत कहाँ कहाँ भी जरूरत है, तो थोड़ी सी चर्चा कर ले टू इंश्योर, ठीक है, ये
देखिए जितने भी सिटीजन हैं, ठीक है, भारत में, ठीक है, या कोई भी कंट्री के, तो लॉज वहां पे बस एक ही चीज को लागू करता है कि जो भी नागरिक है उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, किसी भी रूप से सेफ्टी होनी चाहिए। और किस प्रकार से सेफ्टी होनी चाहिए, अगले पॉइंट उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे समाज में बहुत ही बुरी प्रचलन चली हुई है कास्ट सिस्टम की। ठीक है, तो आजादी के दौरान भी इसकी मांग में लाने की कोशिश की था कि कास्ट सिस्टम खत्म किया जाए। तो टू प्रोटेक्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक कास्ट सिस्टम, समाज में जो कुरीतियां हैं, ठीक है, कुरीतियां कास्ट को लेकर के, जाति को लेकर के काफी बहुत ही दुर्व्यवहार किया था लोगों के साथ, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कानून इन सभी हमें प्रोटेक्ट करता है, इनके लिए भी जरूरी है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम को आगे तक न लेके जाया जाए, इसके लिए कानून को भी लाया गया और काफी हद तक इसमें बढ़ोतरी की गई है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाना है हम लोग। चलिए बात करें डिस्प्यूट्स, ठीक है, जो वाद विवाद जो झगड़ा होता है समाज में, तो रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है समाज में, बहुत सारी चीजें हो सकती है, रिसोर्सेज अवेलेबल, सभी को रिसोर्स जरूरत पड़ती है, संसाधन जरूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे वाटर हो या और बहुत सारी ऐसी चीजें हो, फॉरेस्ट हो, ठीक है, मान लेते हैं। तो उसमें अगर समाज के बीच अगर हम लोग बात करें सीधे तौर पर, तो कानून उस चीज के लिए जरूरी है जहां पे लोग अपने आप में झगड़ बैठते हैं कि ये रिसोर्स उनको चाहिए, वो रिसोर्स उनको चाहिए। तो कानून की अगर सीधी सी बात करें तो सबके लिए ये इंश्योर करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ठीक है, सभी के लिए ये क्या करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की कोशिश करते हैं सब कानून, ठीक है, कि सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाए, समाज में सबको समान दर्जा दिया जाए। और साथ साथ लॉ की अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें हम लोग, तो जो हमारी सरकार है, ठीक है, उनसे भी प्रिवेंट करते हैं कि वो जो पावर यूटिलाइज करते हैं ना, ठीक है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी सरकार करंट में चल रही होती है, ठीक है, उनको भी इंश्योर करते हैं कि जो पावर संविधान के द्वारा दिए गए हैं उनको सही रूप से वो इस्तेमाल करें, ठीक है, गलत रूप से इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो ये कुछ लॉज के ऊपर कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, ठीक है, मुख्य बिंदु थे जिसको उन्होंने डिस्कस किया। और जब भी ये कानून, ठीक है, जब भी ये कानून बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो लॉज का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए और भी बहुत मुख्य ऐसे कानून है जो संविधान में जुड़े गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डॉली प्रोविजन एक्ट के बारे में, ठीक है, दहेज के बारे में, ठीक है, कि इसके आगे किस तरीके से कानून हमारा मदद करता है, ठीक है। डॉरी प्रोविजन एक्ट आया था 1961 में, आखिर ये क्यों आया उसका जानते हैं। तो देखिए डॉरी के बारे में बात करें तो बहुत सारे डॉरी डेथ हो रहे हैं, ठीक है, दहेज के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डॉरी डेथ हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग आसपास सुनते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, तो काफी दुर्व्यवहार किया जाता है। डॉरी देश के बारे में सुनते हैं कि दहेज के कारण वुमेन को जला दिया गया, मार दिया गया, जो कि फांसी उसी ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो बात करें डॉरी आखिर है क्या, तो सीधी सी बात करें थोड़ा सा इससे पहले कि अगर आज की बात करें तो संविधान ने काफी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को दिए हैं, काफी ज्यादा अधिकार प्रदान किए हैं और बहुत सारे सुनिश्चित किए हैं कानून उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद पहले के जमाने क्या होता था कि
जब ही जो भी लड़कियां उनकी शादी होती थी, ठीक है, तो उनके जो पेरेंट्स होते थे, ठीक है, उनके जो माता पिता होते थे, एक खुशी के उपहार के रूप में कुछ सामग्री देते थे, ठीक है, जो भी ग्रूम हुआ करते थे उनको दिया करते थे। लेकिन आजकल ये जो चीज है डॉडी, ठीक है, वो काफी अजीब टाइप का रूप ले चुकी है, ठीक है, काफी भयानक रूप ले चुकी है। आज इसे गिफ्ट के रूप में नहीं, जबरदस्ती एक्स्ट्रा जो गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेसिव गिफ्ट्स होते हैं, मनी होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, गिफ्ट्स, मनी, प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सभी की मांग की जाती है, ठीक है। तो पहले जो पेरेंट्स हुआ करते थे ब्राइड के, वो उपहार के रूप में देते थे, ठीक है, खुशी के रूप में देते थे, ताकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ग्रूम का वो बना रहे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ये थोड़ा सा कुछ टिपिकल रूप ले चुका है, ठीक है, अजीब टाइप का रूप ले चुका है, जिसमें कि जो ग्रूम के जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रूम होते हैं, काफी ज्यादा डिमांड करते हैं। और इवन, ठीक है, इवन जब भी वो डिमांड पूरा किया जाता है, उसके बावजूद भी वोमेन के साथ, ठीक है, इल ट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके देश कर दिए जाते हैं, ठीक है, उनको हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इवन देने के बावजूद। तो ये कुछ काफी ज्यादा समस्या आ रही थी, ठीक है, तो जिसे देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कानून बनाया, ठीक है, डॉडी प्रोविजन एक्ट 1961 में लेकर के आया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि टेकिंग और गिविंग, ठीक है, दहेज देना और देना, टेकिंग एंड गिविंग, ठीक है, इसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस, कानूनन जुर्म हो गया अगर जो लेते हुए या देते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, या पता चल गया तो उनको 1961 एक्ट के तहत बहुत सारे इसमें रूल्स रेगुलेशन आए गए, ठीक है, उनको मुजरिम करार दिया जाएगा, अपराधी घोषित किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफी एक बहुत ही अच्छा जो रूप आया एक्ट के तहत, ठीक है, सरकार के द्वारा ये लाया गया, ठीक है। तो डॉली को क्या कर दिया गया, फुल्ली बैन कर दिया गया, ठीक है, इसको पूर्ण रूप से क्या किया गया, बैन कर दिया गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं लॉज के ऊपर, ये एग्जांपल्स था किस तरीके से डॉली प्रोविजन एक्ट को लाया गया, ठीक है, और जो भी ग्रूम के द्वारा जो डिमांड होती थी इवन फुलफिल करने के बावजूद, ठीक है, उनकी डेथ कर दी जाती थी, वुमेन्स की डेथ की जाती थी, उनके हस्बैंड उनको मारते थे, पीटते थे, ठीक है। तो अभी भी एक्ट आने के बावजूद भी बहुत हद तक इसमें सुधार आया है, लेकिन फिर भी हमें जरूरत है, ठीक है, इसके प्रति जागरूक रहने की, सचेत करने की और लोगों को भी जागरूक करने की, ताकि ये जो एक्ट है और बेहतरीन हो सके। इसके बावजूद भी कहीं कहीं अभी भी थोड़ा बहुत दिखता है डॉरी, ठीक है, दहेज प्रथा का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दिखता है, लेकिन इन्हें हमें जड़ से खत्म करना होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके नीड फॉर लॉज के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है, आप उन्हें सॉल्व करें, व्हाट्सएप ग्रुप में विजिट करें, और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।